टिक्की एक एवरग्रीन रेसिपी है। यह काफ़ी सिंपल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन इसमें हम हल्का सा ट्विस्ट देंगे जिससे बच्चे बड़े चाव से खाएं और बड़े भी लुत्फ़ उठाएं। इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं वीडियो में। वेलकम टू माई चैनल सफीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत यूनिक डिलीशियस रेसिपी, आलू की टिक्की बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान, तो ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। चीज़ आलू टिक्की बनाने के लिए दो आलू लिया है, उबाल कर छील लिया है, मैश कर लेते हैं। आलू को हाथ की सहायता से मैश करते हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं, एक पिंच काली मिर्च ऐड करते हैं, दो पिंच पिज्जा हर्ब ऐड करते हैं, दो पिंच चिली फ्लेक्स ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू में। आलू टिक्की का डो बनकर तैयार है। चलते हैं अगले प्रोसेस पर। हाथ में हल्का सा तेल लगा लेते हैं टिक्की बनाने के लिए। आलू से छोटे बॉल काट लेते हैं टिक्की बनाने के लिए। हाथों की सहायता से गोल सेम में बना लिया है आलू की टिक्की, फिलिंग कर लेते हैं। आलू को गोल सेम में बना लिया है टिक्की को, अच्छी से फिलिंग कर लेते हैं। एक ही मजेदार चीज़ लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आलू टिक्की में चीज़ से फिलिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसी तरह से सभी आलू टिक्की को चीज़ से फिलिंग कर लेंगे। आलू चीज़ टिक्की को चीज़ से फिलिंग करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से सभी टिक्की को चीज़ से फिलिंग करके तैयार कर लेंगे। इंडक्शन ऑन कर लिया, पैन रखा गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया है। तीन चम्मच घी ऐड करते हैं। घी गर्म हो गया है, आलू चीज़ टिक्की ऐड करते हैं। मीडियम आंच पे फ्राई कर लेते हैं। चीज़ आलू टिक्की को दूसरी तरफ पलट लेते हैं। टिक्की को पलट लिया है, गोल्डन ब्राउन सुनहरा होकर टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। चीज़ आलू टिक्की बनकर तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। चीज़ आलू टिक्की बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। ये खाने में बहुत टेस्टी, चीजी, यम्मी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं और खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, या आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सफीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। Thanks for watching my video.